रही हो? सुनो मेरी बात, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम उमर को मुझसे दूर नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ, अगर उमर को तुमसे मुझे दूर करना होता तो मैं बहुत पहले लाखों दफा कर चुकी होती। बहुत मौके थे मेरे पास, मैं उसको सच बता सकती थी कि तुम तो बहुत देर से उसे आवाज़दार हो गई थी। कोई जवाब दे दिया था तुमने मुझे कि उसे को मेरा पीछा छोड़ दे। मैं उसको सच बता सकती थी कि तुम हमारे निकाह के वक्त किसी और से शादी के ख्वाब देख रही थी। बल्कि मैं तब भी बता सकती थी जब तुम्हारी अम्मी ने खुद मुझे कहा कि तुम अपने कजन से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। रोशनी खुद गई थी ना तुम बाहर, मायूस हुई तो तब वापस लौटी। लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया रोशनी, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए ताकि कभी भी जिंदगी में मुझे कोई ये ना कह सके कि मैंने उमर को तुमसे दूर करने की कोशिश की, या सच बोल के या झूठ बोल के या किसी भी तरह। बहुत अच्छा किया जो उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में इतना पागल था, इतना बेवकूफ था कि अगर तुम सच भी बोलती ना तो उसको झूठ ही समझना था। और तुम्हें क्या लगता कि उमर कोई बहुत शरीफ है? उमर ने शादी के बाद ही मुझे मैसेजेस और कॉल्स किए, शादी के बाद मुझसे किया और शादी तुमसे कर ली। और माहिन तुमने कौन सी दोस्ती निभाई है? तुमने उससे शादी की जिससे मैं मोहब्बत करती थी, धोखा तुम लोगों ने भी मुझे दिया। अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत किया? पागल हो गए? पागल नहीं, आजाद हो गया हूं। फैसला तो मैं यहां पे आने से पहले कर चुका था, लेकिन दिल में एक कसक थी, एक मलाल सा रह जाता कि शायद मैं किसी को धोखा दे रहा हूं। लेकिन मैं, मुझे लग रहा है कोई बोझ उतर गया मुझसे, बहुत बड़ा बोझ। तुम जाओ यहां से, तुम भी आजाद हो जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने तुम्हें कहा जाओ यहां से। पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? हटो पीछे। मुझे मेरे बीवी के साथ बैठ के अकेले में बातें करनी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा हो। तीसरा? हम दोनों एक साथ थे, तीसरी तो ये है। घर चलो, सब घर वालों को पता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। चल। छोड़ो इसका हाथ। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। और ये सारी फसाद की जड़ें, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो चलो बेटे। रोशनी पागल हो गई हो तुम? उमर, ये बीवी है मेरी, सुना तुमने? गेट आउट। जानती थी कि एक दफा फिर से धोखा दोगे तुम। शादी के वादे मुझसे क्यों, शादी मुझसे करोगे? तुम्हारी बातों में एक दफा फिर से आ गई मैं। लेकिन उमर, तुम्हें इस दफा मैं धोखा नहीं देने दूंगी। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी उमर। हाँ, दे रहा हूँ धोखा, दे रहा हूँ धोखा मैं, लेकिन तुम्हें नहीं, खुद को दे रहा धोखा, क्योंकि मैं वही से प्यार करता था, तुमसे नहीं। और ये हकीकत अब खुली है। तुम्हारी नीयत खराब थी पहले दिन से, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो कुछ और समझता रहा। दफा हो जा तुम यहां से। गेट आउट रोशनी, गेट आउट। Thank you.
जानते हो मैं यही चाहती थी, तुम अगर मेरे पास लौटो तो दिल के हाथों मजबूर होके लौटो, मोहब्बत की वजह से लौटो, किसी से मायूस होके और टूटा हुआ दिल लेके मेरे पास ना लौटो। तुम्ही ने तो कहा था प्यार में ये भी और वो भी नहीं होता, प्यार में या ये होता या वो होता।